हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रांस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में दो जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। पहला है प्रमोटर्स एंड टेम्पलेट बाइंडिंग, ये मैंने आपको बता दिया है, एंड इनिशिएशन भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ द थर्ड स्टेप इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जब दो, अगर ये दो स्ट्रैंड्स हैं, 5- स्ट्रैंड, 3- एंड 3- 5- स्ट्रैंड, अब इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स, फॉर एग्जांपल एडेनिन, गानिन, थाइमिन, साइटोसिन, गानिन, तो इसकी पोलैरिटी या कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में इसके जो है कंप्लीमेंट्री बेसिस आ जाएंगे। दैट मीन्स थाइमिन गानिन के बदले साइटोसिन, थाइमिन के बदले एडेनिन, साइटोसिन के बदले गानिन, गानिन साइटोसिन के बदले गानिन, एंड गानिन के बदले साइटोसिन। तो ये कंप्लीमेंट्री बेसिस है, क्योंकि आप जानते हैं टी ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन एंड गानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस ये दो स्ट्रैंड्स हैं। अब थर्ड, पहले सेटअप में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया है विद सिग्मा फैक्टर। दूसरे इनिशिएशन में क्या हुआ है? इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया है, उसने इनिशिएशन किया, दैट मीन्स उसने एडेनिन के बदले, अब हम देखेंगे कि किस स्ट्रैंड पे, अगर ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा आरएनए सिंथेसिस 5-3 डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं 5-3 डायरेक्शन दिखाऊंगा, 5-3 डायरेक्शन ये वाली है, तो अगर हम अपोजिट पोलैरिटी देखेंगे तो इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी इससे आ जाती है, दैट मीन इज यहां। तो ये वाला जो है ये है कोडिंग स्ट्रैंड, और ये वाला जो है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये डिपेंड करता है कि पोलैरिटी पे, क्योंकि हमेशा जो आरएनए सिंथेसिस है वो 5-3 डायरेक्शन में होगी। तो जब 5-3 डायरेक्शन में होगी, अकॉर्डिंग टू दिस पोलैरिटी, हाँ, उस ट्रेंड से ये टेम्पलेट करता है, ये कॉपी करता है जिसमें इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो ये वाला जो है 3-5 जो स्ट्रैंड है, इसमें पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, जिसमें 5-3 डायरेक्शन आएगा। तो यहां पर मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया है। तो आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया है, इसने इनिशिएशन किया। इनिशिएशन का मतलब क्या है, यहां पे ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए में थाइमिन है, तो थाइमिन के बदले अब जो आरएनए बनेगा वहां पे एडेनिन आएगा, दैट मीन लाइक ए इन द 5-3 डायरेक्शन। तो ये जब ये इसके साथ जुड़ेगा ये एडेनिन, तो ये इनिशिएशन हो गया। अब ये चेन जो यहां से बनती है इस इनटू 5-3 डायरेक्शन, अपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ा होगा कि ये 5-3 डायरेक्शन एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ग्लूकोज का जो है राइबोस शुगर जो है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो जो 5 वाला कार्बन ऐसे आ जाता है लाइक दिस, एक आता है यहां पे 5 कार्बन, ये है 5, ये आता है ये वाला जो है 1-2, ये आता है 3-end, तो ये 5-end है, ये 3-end है। अब यहां पे एडेनिन आ गया है, इस आरएनए पॉलीमरेज ने इस एडेनिन को ऐड किया हुआ है, ये क्योंकि ये आरएनए जो है, आरएनए सिंथेसिस ये न्यूक्लियस के अंदर होती है या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब ये सेकंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, इलांगेशन। ये अब इस चेन को, क्योंकि यहां पे जो एडिशन, ये इनिशिएशन हो गया है, पहला स्टेप हो गया है, ये इनिशिएट किया हुआ, शुरू की गई है ये चेन सिंथेसिस, अब इसको इलांगेट करना है, बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो उसमें क्या आता है, यही आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये आरएनए पॉलीमरेज नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड आता है, ये पहले रीड करता है डीएनए को, क्योंकि यहां पे साइटोसिन है। अब अगर ये दूसरे न्यूक्लियस के अंदर से ये गानिन लाता है, न्यूक्लियोटाइड गानोसिन न्यूक्लियोटाइड, ये
इस एडिनिन के साथ जुड़ाता है इसको बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, ये दो नाइट्रोजनस या न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इसी बॉन्ड से जुड़ते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड्स जो है, दो न्यूक्लियोटाइड्स एडिनिन और जो गानीन है, ये इसी बॉन्ड के जरिए आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं ये एक स्ट्रैंड लाइक दिस। लेकिन कंप्लीमेंट्री, फॉर एग्जांपल सी के बदले अब गानीन आ गया। अब यहां पे देख लो एडिनिन यहां पे है, एडिनिन के बदले आता है थाइमिन, लेकिन ये आरएनए है तो आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे यूरैसिल प्रेजेंट होता है, तो यू आ जाएगा यहां पे। तो ये यू, ये जी है यहां पे, जी के बदले सी आएगा। तो इसी से चेन एलोंगेशन होता है, दैट मीन्स चेन बढ़ जाती है विद रेस्पेक्ट टू द कंप्लीमेंट्री बेसिस। तो इस थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, चेन इलांगेशन ऑकर्स, चेन इलांगेशन ऑकर्स बाय द कंप्लीमेंट्री बेसिस, कंप्लीमेंट्री बेसिस बाय द कंप्लीमेंट्री बेसिस विच आर ज्वाइनड बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए विच आर ज्वाइनड बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मशीनरी, आरएनए पॉलीमरेज मशीनरी। तो ये ज्वाइन करता है और ये चेन इलांगेट होती है, साइटोसिन, साइटोसिन के बदले थाई ये गानीन, तो ये ऐसे ही बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको पोलैरिटी देखेंगे, दैट मीन्स 5-3 डायरेक्शन में ये चेन जो है ये इलांगेट होती है। तो ये थर्ड स्टेप है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा थर्ड स्टेप को, जब दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं एक 5-3 डायरेक्शन लाइक दिस, 3-5 डायरेक्शन, तो उस स्ट्रैंड से ये कॉपी करता है जिसकी पोलैरिटी 3-5 होती है, तभी तो 5-3 डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इस वाले में ये पोलैरिटी सेम रहती है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, नथिंग एल्स। तो जब इनिशिएशन हो गई, दैट मीन इनिशिएट हो गया है, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडिनिन आ गया, आरएनए पॉलीमरेज ने इनिशिएट किया है, शुरू किया हुआ है चेन को। अब इस चेन को आगे बढ़ाना है, दैट मीन एलोंगेट करना है, यही आरएनए पॉलीमरेज विद बाय दिस चेन एलोंगेशन के जरिए, ये डायस्टर बॉन्ड्स के जरिए इन नाइट्रोजनस बेसिस को या न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाता है और चेन जो है वो आगे बढ़ जाती है, वो इलांगेट होती है इनटू 2-5-3 डायरेक्शन। ये थर्ड सेटअप था। थैंक यू।